दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ डिमांड, जिसमें हम समझेंगे कि डिमांड वांट्स में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है, और डिमांड को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि डिमांड और वांट्स, नीड्स सब एक ही चीज़ है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये सब चीज़ें एक नहीं है, इनमें अंतर है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की जिसमें हम बोलते हैं डिज़ायर, यानी कि डिज़ायर का सिंपल हिंदी मतलब है इच्छा, इच्छा, ठीक है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो इच्छा का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को पाने की विश करते हैं तो सिंपल इच्छा है, चाहे हमारे पास रिसोर्सेज हों या ना हों, ठीक है। वांट्स सब कहलाती है जब हमारे पास में रिसोर्सेज भी होते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं एक BMW कार खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास BMW कार खरीदने के पैसे भी हों। अब मान लीजिए मेरे पास पैसे भी हैं और मेरी इच्छा भी है कि मैं BMW खरीदूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ये जो इच्छा है, ये आपकी डिज़ायर जो है वो डिमांड बन गई, ये भी वांट कहलाएगी। क्योंकि वांट्स के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास पैसा तो हो, रिसोर्सेज हो, साथ ही साथ आपकी किसी गुड्स को खरीदने की इच्छा हो, लेकिन जब तक आप उस पैसे को खर्च करने को तैयार नहीं होंगे तब तक वो डिमांड नहीं कहलाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ को डिमांड बनने के लिए जरूरी है, नंबर वन, कि गुड्स अवेलेबल हो मार्केट में। अगर मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, वो डिमांड नहीं कहलाएगी। मान लीजिए आप चाहते हो आसमान से तारे तोड़ के लाना, तो आसमान के तारे तो मार्केट में बिकते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप भगे भगे गए और 2 किलो आसमान से तारे तोड़ लाए, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है आप उसे खरीदोगे कैसे। दूसरा है वांट्स टू गेट दी गुड्स, यानी कि आपके पास उस वस्तु खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ अवेलेबल है मार्केट में लेकिन आपकी उसकी इच्छा नहीं है, तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। इसके अलावा आप उस पैसे को खर्च करने के, आपके पास परचेजिंग पावर हो, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए और साथ ही साथ कंज्यूमर उस पैसे को खर्च करने को रेडी हो जाए। जब किसी भी चीज़ में 4 चीज़ें मिलेंगी तब वो चीज़ आपकी डिमांड कहलाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, बेसिक बातें हैं। अगर आप CBSE से या किसी और बोर्ड से 11th 12th में भी पढ़ते हो तो भी आपको ये बातें मिलेंगी, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस आप पे नहीं कर रहा हूँ। सो डिमांड इज़ दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखिए डेफिनेशन हो गई। क्या बोला डेफिनेशन में कि डिमांड इज दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि डिमांड कुछ नहीं है, किसी भी गुड्स की एक क्वांटिटी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिमांड कोई वस्तु हो या डिमांड कोई दिखने में चीज़ होती। डिमांड का मतलब है सिंपल सी कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो, विलिंग टू बाय, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसे वो खर्च करने के लिए तैयार है उस पैसे को, उसको बोलते हैं डिमांड। देखिए आप याद रखिएगा, डिमांड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस पर ही किसी क्वांटिटी को दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, यानी कि देखिए अगर हम किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीद लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखिए क्या मतलब है इसका, मैं आपको एक अलग पेज बना के समझा देता हूँ। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में अंतर, ये मैं डिमांड लिख देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इसका मतलब डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है। मान लीजिए अगर टमाटर जो है वो 50 रुपये KG होगा तो मैं उसकी 2 क्वांटिटी खरीदूंगा, ठीक है जी, 2 किलो खरीदूंगा। अगर मैं उससे बोलता हूँ कि अगर तुम 25 रुपये का होगा तो मैं 5 किलो खरीदूंगा, और 10 रुपये किलो होगा तो मैं, आप कह सकते हो, 15 किलो खरीदूंगा। तो ये मेरी डिमांड है, यानी कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को दिखा रहा है। यानी कि मेरी विलिंग टू बाई कितनी है, 50 रुपये किलो पर 2 किलो, 25 रुपये किलो पर 5 किलो और 10 रुपये किलो पर 15 किलो। ये सिंपल भाषा में डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड तब कहलाती है जब मैं कहता हूं कि मैं 50 रुपये किलो पर मैंने 2 किलो क्वांटिटी खरीदी, यानी कि ये एक स्पेसिफिक प्राइस है। स्पेसिफिक का मतलब है एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। यहां पर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो है वो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को दिखाने की कोशिश करता है। तो बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर हम आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में अंतर बता देते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कुछ नहीं है, मेरी जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, आपकी जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, और हम सबकी जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड है। यानी कि किसी एक गुड्स की डिमांड जो है, देखिए
एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सभी गुड्स की डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि ए के द्वारा जो डिमांड की गई है, मान लीजिए 10 गुड्स खरीदी गई हैं। मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, ए बी सी डी जो भी लोग हैं, यानी कि इसका मतलब है वन पर्सन वन गुड्स, ठीक है जी, ये होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है ऑल पर्संस, ठीक है, वन गुड्स, ये दोनों में मतलब है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में गुड्स एक ही रहेगी। लेकिन जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड में केवल एक व्यक्ति गुड्स को कंज्यूम करेगा, और जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किसी भी गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो बच्चों बेसिक डिफरेंस आपको क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आगे बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, हमने आपको समझा दिया। इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ जोड़ कर ही मार्केट डिमांड बनती है, जैसे 5 रुपये प्राइस है, 10 रुपये प्राइस है, 15 रुपये प्राइस है, इस पर जो एक ही डिमांड है वो 100 है, 50 है, 20 है, इतना तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी घट जाती है। जबकि बी की डिमांड 10 है, 40 है और 30 है, तो इन दोनों को जोड़ दें, हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में केवल दो ही लोग हैं, अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी भी डिमांड को ऐड कर देंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ऐड का साइन लगा देता हूँ मैं, तो ये आप वैल्यू बच्चों आप अपने आप ही निकाल सकते हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड सॉरी मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड की जो जोड़ जोड़ कर अगर आप वैल्यू निकालते हो तो इसी को बच्चों मार्केट डिमांड कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई इतना मुश्किल पॉइंट है भी नहीं। यहाँ पर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की बात कोशिश करेंगे। सेम बात है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक व्यक्ति की डिमांड। यहाँ पे हमने दिखा रहे हैं कि जब प्राइस 10 रुपये है तो वो क्वांटिटी बाय कर रहा है 50, और जब प्राइस 5 रुपये हो गया तो वो क्वांटिटी बाय कर रहा है 100। जबकि बी जो है वो 10 रुपये पर कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है, 40, और 5 रुपये पर कितनी बाय कर रहा है, वो 50। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे बेटा, प्राइस तो 10 रुपये है लेकिन क्वांटिटी किसकी है, ए की कितनी है, ए की क्वांटिटी 50 है और बी की क्वांटिटी 40 है, तो मार्केट में क्वांटिटी आ जाएगी 90 रुपये, यानी कि 10 रुपये पर, यानी कि 10 रुपये पर कितनी गुड्स खरीदी जाएंगी, 90 गुड्स खरीदी जाएंगी, ठीक है जी। इसी तरीके से 5 रुपये पर दोनों मिलाकर कितनी खरीदेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल डिमांड को जोड़कर ही आप मार्केट डिमांड बनाओगे। अगर आपको तीनों डायग्राम एक साथ बनाने हों तो इस तरीके से जो मार्केट डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मार्केट डिमांड जो है वो दिखाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरियस प्राइस पर वेरियस क्वांटिटी को दिखाया जाता है फॉर ऑल द कंज्यूमर। और इंडिविजुअल डिमांड भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें हम किसी एक व्यक्ति की डिमांड को दिखाते हैं किसी डिफरेंट प्राइस लेवल पर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट है नहीं। जो मुश्किल कंसेप्ट होगा वो अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से कराएंगे। यहाँ पर बच्चों हमें एक डिफरेंस करा रखा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों मार्केट डिमांड को हर वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं पर इंडिविजुअल डिमांड को डिफरेंस नहीं करते। लेकिन पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि इस तरीके का डिफरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉइंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हो ही नहीं सकता कि इसे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस ना करें, और जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हो ही नहीं सकता कि मार्केट को इन्फ्लुएंस ना करें। लेकिन फिर भी अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, कंज्यूमर की इनकम है, इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, क्रेडिट पॉलिसी है। अब यही सब चीज़ें मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करेंगी, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बता रखा है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्लाइमेट चेंज एंड सीजन इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए बच्चों इस तरीके का डिफरेंस मैं आपको नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिंपल तरीके से मार्केट फैक्टर को जो फैक्टर जो हैं जो डिटरमाइन करते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी भी गुड्स का प्राइस उसकी क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई आप कह सकते हो पॉइंट इन्फ्लुएंस करता है तो वो किसी गुड्स का प्राइस है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर अन्य बातें समान रहें, बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सर्टेन पैरेबस को हम मान लें, तो हम ये देखेंगे कि प्राइस ऊँची होने पर क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है वो घट जाती है, और प्राइस नीची होने पर लोग ज़्यादा खरीदते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी कि जब कीमत ज़्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे, कम होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली पॉइंट है नहीं।
इसके अलावा इनकम है। देखिए इनकम पे डिपेंड करता है कि गुड्स कैसी है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मान लीजिए हम नॉर्मल गुड्स मान लेते हैं, नॉर्मल गुड्स ठीक है जी। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है बेटा कि जैसे हम मान लीजिए इनकम मान लिया हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनकम बढ़ती है, मान लीजिए मैं यहां पे लिख लेता हूं डिमांड और यहां मैंने लिख लिया इनकम, तो इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। ये मैंने बी पॉइंट ले लिया, यानी कि अगर इनकम जो है वाई जीरो से बढ़कर वाई वन हो जाए तो डिमांड क्यू जीरो से बढ़कर क्यू वन हो जाएगी। इसका मतलब इस तरीके का डायग्राम बनता है नॉर्मल गुड्स के केस में, यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है, इनकम का इफेक्ट का मतलब है इनकम का प्रभाव, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटने से डिमांड घटेगी। और इस तरीके के गुड्स जो होती है वो नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, कोई ब्रांडेड क्लोथ है। सिंपल सी बात है कि भाई इन चीज़ों की जो डिमांड है वो इनकम बढ़ने से बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप फ्रिज नहीं खरीदोगे, एसी भी खरीदोगे, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। इन्फीरियर मतलब घटिया। देखिए अगर मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं टमाटर ऐसे खाऊंगा ना जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो क्वालिटी वाले होंगे, सड़े हुए टमाटर तो मैं खाऊंगा नहीं, या ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करूंगा जो ब्रांडेड हो, सेकंड हैंड कपड़े तो मैं पहनूंगा नहीं। इस केस में जब हम डायग्राम बनाने की बारी आती है तो देखिए इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो। इसका मतलब हमारी इनकम जब वाई जीरो है तो क्वांटिटी वाई जीरो है, और अगर इनकम घट जाती है वाई वन हो जाती है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी घट जाएगी, यानी कि हम कम खरीदेंगे। ठीक है जी, सॉरी गलत बोला मैंने, ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि नेगेटिव होता है ना, इनकम घटने से ज़्यादा खरीदेंगे ऐसी गुड्स की, और अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम ऐसी गुड्स को कम खरीदेंगे। तो इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा अगर गुड्स कैसी है, इन्फीरियर गुड्स है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको एक और गुड्स के बारे में बताऊं, हालांकि मैंने यहाँ पे पॉइंट जोड़ा नहीं है नेसेसिटी गुड्स के बारे में, तो नेसेसिटी गुड्स के केस में देखिए इस तरीके का डायग्राम बनता है। अगर मान लीजिए गुड्स बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि इनकम का असर पड़ता नहीं है। अब कोई डायबिटीज़ की दवाई कितनी खाएगा ये इस बात पर डिपेंड थोड़ा करता है कि उसकी इनकम कितनी है, कि ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा डायबिटीज़ की गोली खाएगा, इट्स तो डिपेंड करता है, ये अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है, इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें जैसे दूध है, सब्जी है, पनीर है, तो उस केस में डायग्राम इस तरीके से बनता है, यानी कि एक समय तक तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, उसके बाद इस तरीके से बनता है। और बच्चों लग्जरी गुड्स के केस में अलग तरीके का स्लोप ले लेता है। देखिए पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर यही मान लीजिए लग्जरी गुड्स होती तो स्लोप, देखिए लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ने से, यानी कि इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, लेकिन जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाता है लग्जरी गुड्स का। स्लोप पे डिपेंड करता है, यानी कि लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। नेसेसिटी गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ने से डिमांड कम बढ़ेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में गुड्स कौन सी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में समझें तो ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया। अधिकतर एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, अगर आप लोअर लेवल पे हो, और अगर आप हायर लेवल पर हो तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि गिफिन गुड्स के, सॉरी नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या होता है, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों रिलेटेड गुड्स की बात कर लेते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिसमें एक गुड्स की जो डिमांड है वो दूसरी गुड्स की प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है। देखिए रिलेटेड गुड्स क्या होती है, मैं आपको एक बार अलग से पेज बना के समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए गुड्स दो तरीके की होती हैं, अगर हम रिलेशन की बात करें, एक तो होती है रिलेटेड, दूसरी हो गई अनरिलेटेड। अब बच्चों रिलेटेड क्या है, जिसमें से एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करे, वो रिलेटेड है। और अनरिलेटेड वो है जिसमें एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को असर ना करे, डायरेक्टली तो कम से कम ना करे। जैसे पेट्रोल की प्राइस महंगा होने सर मेरे कोर्स की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि पेट्रोल का असर मेरे कोर्स की डिमांड पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब इस तरीके की जो डिमांड है वो अनरिलेटेड गुड्स कहलाती है। तो रिलेटेड गुड्स में दो तरीके गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, मान लीजिए जैसे जिसको हम एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सके, जैसे मान लीजिए पेट्रोल डीजल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, टी कॉफ़ी हो गया। अब मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ जाता है,
मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस ऑफ टी, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है कॉफी की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग प्राइस टी का बढ़ने से जो क्वांटिटी ऑफ टी है वो घटेगी और लोग इसकी जो डिमांड है कॉफी की डिमांड है वो बढ़ा देगी। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाएगा कि अगर चाय महंगी हो जाए, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जब से सीएनजी महंगी हुई है मैंने कम से कम पेट्रोल भरवाना ही शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि लाइन में लगने से अच्छा है कि पेट्रोल भरवा लो भाई, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपये का अंतर आ जाएगा एक दिन में, इससे ज़्यादा अंतर आना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में से एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो जिसका प्राइस बढ़ा उसकी डिमांड में कमी आएगी और उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो लोग सीएनजी की डिमांड बढ़ा देंगे, अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ता है तो लोग टी ज़्यादा पियेंगे, टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे। तो इस तरीके का रिलेशन होता है। डायग्राम वाइज बात करें तो डायग्राम इस तरीके का बना सकते हैं बच्चों। मैं मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं टी, यहां पे लिख देता हूं कॉफी, यहां मैं लिख देता हूं प्राइस, पी जीरो है प्राइस और कॉफी का क्वांटिटी है क्यू जीरो, ठीक है। प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है तो जो क्वांटिटी है कॉफी की डिमांड की वो बढ़ जाएगी। इस तरीके का डिमांड कर्व बन जाता है अगर गुड्स कैसी है, सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिसमें मिलकर अपनी वांट्स की पूर्ति की जाती है। जैसे जैसे दूध और चाय है। अब ऐसा तो यानी कि दूध से चाय बनेगी या चाय की पत्ती भी चाहिए आपको, या पेन और इंक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड, देखिए अब मैं सिंपल समझ लीजिए कि कार और सीएनजी, यानी कि ऐसी कार जो सीएनजी से चलती है, सिंपल तरीके से समझें, तो जब से सीएनजी महंगी हुई है ऐसी कार की डिमांड में कमी देखने को मिली है जो सीएनजी से चलती है। इसका मतलब क्योंकि पेट्रोल सॉरी सीएनजी और सीएनजी की कार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड में कमी देखने को मिलेगी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप इतना बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो इतने एडवांस लेवल पे आप कैसे पढ़ाई करेंगे। इसलिए मैं आपको ये सब बातों को शॉर्ट में ही करा रहा हूँ, हालांकि डिटेल में कराने के लिए तो बहुत कुछ बताया, और वैसे भी मैंने आपको सारे पॉइंट कवर किए हैं, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कवर नहीं की। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पेट्रोल ले लेते हैं और यहाँ पे कार ले लेते हैं, तो अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग कार की डिमांड को कम कर देंगे और अपने जो 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 कन्वेंस है, जो आप कह सकते हो जो पब्लिक कन्वेंस है उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके का डिमांड कर बनेगा जब हमारी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो देखिए यही सब बातें मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, मैं आप चाहोगे तो एक बार पढ़ देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाइड दी वॉन्ट्स, एग्जाम्पल कोको कोला एंड पेप्सी, टाटा स्काई एंड डिश टीवी, एलईडी एंड एलसीडी। इन दिस केस इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि टाटा स्काई का प्राइस बढ़ता है तो टाटा स्काई अगर महंगा हो जाएगा तो लोग डेफिनेटली डिश टीवी के ऊपर चले जाएंगे, और अगर टाटा स्काई सस्ता हो जाएगा तो लोग डिश टीवी को छोड़कर टाटा स्काई की डिमांड करेंगे। इसका मतलब टाटा स्काई की जो मतलब टाटा स्काई की प्राइस बढ़ने से डिश टीवी की डिमांड कम हो जाएगी, सॉरी गलत बोला, टाटा स्काई का प्राइस घटने से डिश टीवी की डिमांड घट जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, दीज आर दी गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाइड वांट्स, यानी कि इनका प्रयोग एक साथ ही किया जाता है। पेट्रोल कार हो गई बच्चों, और पेट्रोल अगर महंगा होगा तो कार की डिमांड घट जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, अगला पॉइंट यहां मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। देखिए अगर आपको लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, अब मान लीजिए मुझे लगा कि भाई पेट्रोल महंगा होने वाला है, रात को न्यूज़ आई कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो जाएगा, मैं गया अभी के अभी जाऊंगा और 12 बजे से पहले पहले 2 जो टंकी है वो पूरी भरवा के ले आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें लगता है कि भविष्य में पेट्रोल महंगा में ही पेट्रोल की डिमांड को बढ़ा देंगे, इसके उल्टा अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो हम इन प्रेजेंट बाय नहीं करेंगे, फ्यूचर में ही बाय करेंगे। अभी बाय करके क्या कर लोगे, जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर अमेजोन कहता है कि आज से 2 दिन बाद सेल आएगी, तो डेफिनेटली हम सेल का इंतजार करेंगे और हम करंट में गुड्स को बाय नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी असर पड़ता है, डिमांड पर पड़ता है। अगर कंज्यूमर को लगता है कि
कि उसके प्रति यानी कि किसी भी गुड्स के प्रति टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाता है। अब मान लीजिए शाहरुख खान या कटरीना कैफ तो खैर हमारे पुराने हो गए, अब मान लीजिए नए कौन है, आलिया भट्ट। हाँ, आलिया भट्ट मान लीजिए कोई ड्रेस पहन के आती है और वो ड्रेस पॉपुलर हो जाती है, यानी कि उस ड्रेस के प्रति लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज हो जाता है, तो डेफिनेटली ऐसी गुड्स की डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे। यानी कि अगर किसी चेंज का किसी मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई न्यूज़ फैली जिसमें बताया गया कि आलू के खाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और ये न्यूज़ किसी अच्छे से जर्नल में मान लीजिए पब्लिश हो गई, तो डेफिनेटली इसका बुरा असर आलू की डिमांड पे पड़ेगा, चिप्स की डिमांड घट जाएगी, आलू से बने प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी असर हमारी डिमांड पर पड़ता है। इसके अंदर बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है, हैबिट आता है, हमारा कल्चर आता है। अब देखिए नवदुर्गों में आएंगे तो प्याज की डिमांड घट जाएगी, श्राद्धों में लोग नए कपड़े नहीं खरीदते, हर चीज़ पे असर पड़ता है बच्चों, हमारे हमारी हैबिट का, हमारे बिहेवियर का, सब चीज़ों का असर हमारी डिमांड पर पड़ता है और वो सारे के सारे पॉइंट इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज कर देती है तो डेफिनेटली प्राइस घटेगा और डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे क्योंकि प्राइस सस्ता हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल की कारों पर 200% एक्साइज ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी लगा देती है तो लोग कम पेट्रोल की कार खरीदेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखिए अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके की है, मेल फीमेल कितने हैं, इनकम लेवल कितना है फीमेल फीमेल्स का, कमाने वाला कौन है, आप किस एरिया में रहते हो, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर ज़्यादा इनइक्वलिटी है तो लग्जरी डिमांड जो है वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे क्योंकि जो अमीर हैं उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट आप अपनी तरफ से बना सकते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप बना सकते हो, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे आप वो एक्सप्लेन कीजिएगा और यही सारे तरीके से हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो हम इस वीडियो में समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, एक्सेप्शंस केस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेस क्या क्या होते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों, अगर आप CBSE बोर्ड में हो और 12th क्लास में हो तो ये आपको मिलेगा। तो इतना फोकस आपको, मतलब अगर आप एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत फोकस का नहीं है, और अगर आप लोअर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस चैप्टर टॉपिक को आप समझ लीजिए। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप स्किप करके इसको आगे भी जा सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, सिंपल है कि बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कुछ बातें समान रहें। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कुछ बातें समान रहे, यानी कि हर परिस्थिति में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन जो 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 कांस्टेंट रहेगी, यानी कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कुछ बातें हैं जिनको कांस्टेंट रहना जरूरी है। अगर वो कांस्टेंट रहे तो ऊंची प्राइस पर हम ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, नीची प्राइस पर हम कम गुड्स खरीदेंगे। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सल लॉ नहीं है, फिजिकल साइंस की तरह लॉ नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग कम खरीदते हैं और कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए टमाटर महंगा हो जाएगा, आप मार्केट गए टमाटर खरीदने के लिए, टमाटर वाले ने कहा 100 रुपये किलो टमाटर तो आप कम लाओगे, अगर आप वही कहेगा 20 रुपये किलो टमाटर तो ज़्यादा ले आओगे। और ये केवल टमाटर पर लागू नहीं होता, सभी चीज़ों पर लागू होता है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का। यहां पर हम बात करें बच्चों तो यहां पे देखिए आपको एक प्राइस दिखा रखा है, प्राइस 50 है, 100 है, 120, यानी कि प्राइस लगातार बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों। उससे क्वांटिटी क्या हो रही है, देखिए कट रही है, तो ज्यादा कुछ हमें समझाना नहीं है। सेम चीज डायग्राम में भी दिखा दी गई है कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इनसे जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा हमारा डिमांड कर्व, यानी कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको फैक्टर्स बताए थे, देखिए ये वाले सारे के सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि किसी भी प्राइस का असर डिमांड पर पड़ेगा नेगेटिव, लेकिन ये जरूरी है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहें। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हम
हम क्या करते हैं, जितने भी कॉजेज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो लॉ को प्रभावित करते हैं, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइस है, दूसरा है अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस, तो कहने का सिंपल मतलब यह है कि जो प्राइस वाला कॉन्स्टेंट है वो चेंज होने से, प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो घटेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो अदर थिंग्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहे। क्योंकि हो सकता है कि कीमत बढ़ने पर भी एक कंज्यूमर ज्यादा गुड्स खरीद ले अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो अगर प्राइस बढ़ने से हो सकता है कि कंज्यूमर ज्यादा गुड्स खरीद ले अगर उस गुड्स की सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी तभी आएगी जब बींग अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट रहे। तो कौन कौन से अदर थिंग्स हैं ये भी आप देख लीजिए, इनकम कॉन्स्टेंट रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट रहे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉन्स्टेंट रहे, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉन्स्टेंट रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट रहे, एडवर्टाइजमेंट चेंज ना हो, बिहेवियर चेंज ना हो, यानी कि तमाम चीज़ें जो तमाम फैक्टर हमने जो पढ़े थे जो लॉ ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं, उन सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट मान के काम करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बताता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो बच्चों ये सारी की सारी वजह है। इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होता है, व्हाई डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड। देखिए हम तो ये समझ गए, हमने क्या समझा कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो जो क्वांटिटी है वो घटेगी, लेकिन वाई ऐसा होता क्यों है, या प्राइस जो है वो घट जाएगा तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा होता क्यों है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। तो देखिए सबसे पहली वजह है इनकम इफेक्ट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, दो तरीके की इनकम होती है, एक तो होती है रियल इनकम, आप ये याद रखिएगा आपके सामने कई बार ये वर्ड आएगा, एक होती है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रियल इनकम मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो ये 100 रुपए नॉमिनल इनकम है, और रियल इनकम का मतलब है कि 100 रुपए में से मैं कितनी गुड्स खरीद पाऊंगा। मान लीजिए गुड्स 5 रुपए की है तो मैं 20 गुड्स खरीद पाऊंगा, यानी कि ये हमारी परचेजिंग पावर को दिखाता है, यानी कि आप कितने स्ट्रांग हो इसको दिखा रहा है ये परचेजिंग पावर। इकोनॉमिक्स में जब हम रियल टर्म रियल इनकम की बात करते हैं तो सारा फर्क रियल इनकम से पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है वो 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाता है, इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो घट गई। हालांकि नॉमिनल इनकम उतनी ही रही, लेकिन क्योंकि प्राइस महंगा हो गया इसलिए कंज्यूमर की इनकम घट गई, और घटी हुई इनकम पे कंज्यूमर गरीब हो जाएगा। देखिए किसी आदमी को गरीब करना है दो तरीके, पहला तो उसकी इनकम को घटा दो, दूसरा प्राइस को बढ़ा दो। तो प्राइस बढ़ने से भी आदमी उतना ही गरीब होता है जितना इनकम के घटने से गरीब होता है, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर गरीब हो जाएगा या गरीब महसूस करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर पहले से कम गुड्स खरीद पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने आपको क्लियर करा दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीज, therefore the consumer is able to buy, able to expand his demand. दूसरा है बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स को कंज्यूम करता है गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाता है। आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि जैसे जैसे आप पानी पियेंगे पानी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, दूध पियेंगे दूध से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, यानी कि ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो गई। अब एक कंज्यूमर जो है वो गुड्स तब खरीदेगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो। हालांकि ये चैप्टर हम आपको अगले वाले आप कह सकते हो एक तरीके से आने वाले वक्त में पढ़ाएंगे, लेकिन हम पहले भी जोड़ सकते थे, लेकिन हम जैसे आपके कोर्स में इसको बाद में हम जोड़ेंगे, और जहां इसका पहले है वहां पहले भी जोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ एक तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम बेसिक्स तो पता ही होगा, ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। अब होता क्या है कि कंज्यूमर जो है वो प्राइस मान लीजिए गिर जाता है, प्राइस मान लीजिए गिर जाए तो डेफिनेटली अब कंज्यूमर जो है वो पहले से ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सस्ती गुड्स को कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा और महंगी गुड्स को कंज्यूमर कम खरीदेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात है नहीं, बहुत आसानी से हम आपको समझा पा रहे हैं बच्चों। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, एक एक्स है मान लीजिए और दूसरा वाई है। एक्स मान लीजिए किसी चीज की फीस 5,000 रुपए ले रहा है, वाई भी 5,000 रुपए ले रहा है।
अब होता क्या है कि मान लीजिए इसने क्या किया, अपने 4,000 रुपए फीस कर दी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरेटिवली सस्ता हो गया, और कंज्यूमर क्या करेगा, कंपैरेटिवली सस्ता होने की वजह से महंगी गुड्स को छोड़कर सस्ती गुड्स पे आ जाएगा। यानी कि कंज्यूमर की जो टेंडेंसी होती है वो इस तरीके की होती है कि जो महंगी चीज है उसको छोड़कर वो सस्ती पे आ जाता है। ऐसी वजह क्या है बच्चों, इसकी वजह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यानी कि जब हमें कोई चीज सस्ती मिल रही है उसी चीज का प्रयोग करने के लिए हम ज्यादा पैसे क्यों खर्च करेंगे। हालांकि और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये जो फैक्टर मान के चल रहे हैं वो ये वाला मान के चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों साइज ऑफ कंज्यूमर, किसी भी गुड्स का प्राइस कम करने से कंज्यूमर का साइज बढ़ जाता है। पहला कि जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो ऑलरेडी खरीद रहे थे वो ज्यादा लोग खरीदते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मोबाइल फोन सस्ते हुए तो मोबाइल फोन सभी के हाथों में इसलिए पहुंच गए, या इंटरनेट जो है 4G वो सबके हाथों में इसलिए पहुंच गया क्योंकि सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से जो लोग पहले ही इंटरनेट अफोर्ड कर पा रहे थे अब वो ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यानी कि जो लोग यूज नहीं कर पा रहे थे वो भी अब अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कंज्यूमर का प्राइस गिरता है, जैसे ही गुड्स का प्राइस गिरता है, कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद लेता है। इसके अलावा डिफरेंट यूजेस की बात करते हैं, दोज गुड्स विच हैव सेवरल यूजेस, जैसे मिल्क है। अब मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज है आप बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सारे कामों में आती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी तो दूध गर्म करने के काम भी आती है, दूध के काम तो नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी दूध गर्म करने के काम भी आती है। इसके अलावा टीवी चलाने भी काम आती है। तो जिस चीज का बहुत सारे यूजेस होते हैं अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो उसकी यूजेस की संख्या बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी का सिंगल यूज होगा तो प्राइस गिरने से हम उसका सिंगल यूज करेंगे, लेकिन जिसका मल्टीपल यूज होगा प्राइस गिरने से उसके यूजेस की जो क्वांटिटी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और इसका परिणाम ये होगा बच्चों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी वजह है जो लॉ ऑफ डिमांड की वजह है। यानी कि अल्टीमेटली आप देखोगे कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी है बच्चों जिसमें प्राइस बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ती या घटती है। देखिए प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है ये तो नॉर्मल बात है भाई, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहां पर प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे पहला है द आर्टिकल ऑफ डिस्टेंशन, यानी कि कोई ऐसी गुड्स है जैसे वेवलेंथ गुड्स है। देखिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने स्नॉप्स गुड्स और वेवलेंथ गुड्स के बारे में डिटेल में बनाया हुआ है, और एच एल आहूजा सर का रेफरेंस लिया हुआ है, तो वो मैं आपकी प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप देख लीजिएगा, अच्छी वीडियो है, आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको स्किप करना है तो आप स्किप कर दीजिएगा, और जिस भी कोर्स के लिए वो इनरेलीवेंट होगी उस कोर्स में हम उसको नहीं डालेंगे। तो हम एक स्नॉब इफेक्ट और वेवलन इफेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना रखें, वो हम आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, आपके कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों द आर्टिकल ऑफ डिस्टेंशन, देखिए डिस्टेंशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति रिच है। अब देखिए कोई व्यक्ति डायमंड की अंगूठी इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसकी रेपुटेशन बनती है पहनने से। अब जिस चीज की यूज करने से रेपुटेशन बनती है, लोग देखा होगा कि लोग क्या करते हैं अपने घरों में शेर की खाल डाल के रखते हैं। शेर की खाल का क्या यूज है, रेपुटेशन बनाने के काम आ रही है। यानी कि जो चीज आपकी रेपुटेशन बनाने के काम आती है वो तभी आप खरीदोगे जब वो महंगी होगी, सस्ती होने पर उसे कोई नहीं खरीदेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कंचे भी हीरे से ज्यादा चमकते हैं। कई कंचे ऐसे होते हैं जिसे हम बचपन में खेलते थे कि वो हीरे से ज्यादा चमकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं पहनते या नहीं रखते घर में क्योंकि वो बहुत सस्ता है। तो यही वजह है बच्चों, सस्ता होता है, सस्ता होने की वजह से ही लोग उसे नहीं खरीदते। यानी कि जो चीज महंगी होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जो चीज सस्ती होगी उसकी डिमांड कम होगी, खासतौर पर तब जब गुड्स ऐसी हो जो हमारी रेपुटेशन से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा जो फियर ऑफ स्कैर्सिटी, देखिए कुछ समय पहले एक खबर फैल गई, झूठी खबर, कि नमक जो है वो शॉर्टेज होने वाला है। तो पता नहीं कितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाई आप नमक स्टोर कर लो। अरे इतने नमक की ज़रूरत है, एक थैली, ऐसा एक थैली को यूज़ करने में एक महीना लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नमक आप, लेकिन लोगों ने भर भर के नमक बाय किया। तो इस तरीके की स्कैर्सिटी है, जबकि महंगा मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके दिमाग में इस तरीके का भय है, स्कैर्सिटी है कि फ्यूचर में गुड्स स्केयर हो जाएगी, मिलेगी ही नहीं, तब आप ऊंची कीमत देके भी गुड्स को बाय करने का प्रयास करोगे, तो ये भी एक इसका पॉइंट है। इसके अलावा बच्चों कोई फैशन में गुड्स आ गई है, फैशन का तो आपको पता ही है, फैशन में तो आदमी दीवाना होगा, जो चीज फैशन में है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसकी डिमांड ऊंची होगी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो ये तो आपको सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है बच्चों। इसके अलावा गिफिन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, गिफिन गुड्स क्या होती है, गिफिन गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। देखिए ये इंफीरियर गुड्स का एक रूप है, और इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको इन डिफरेंस करवाले चैप्टर में पढ़ाएंगे।
फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि गिफ्ट गुड्स के केस में ये एक स्पेशल तरह की गुड्स होती है जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और प्राइस के घटने से इनकी डिमांड घट जाती है। डिटेल में बच्चों हम आपको जब हम इंडिफरेंस कर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको जरूर जरूर बताएंगे कि प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से किस तरीके से गिफ्ट गुड्स बनती है। इसके अलावा इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए इमरजेंसी का केस आ गया, अब इमरजेंसी मान लीजिए, अब आप देखिए कोविड काल में बहुत महंगे हो गए ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन फिर भी लोगों ने खरीदे, महंगे खरीदे, तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो लोग ज्यादा प्राइस देके भी गुड्स को बाय करते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए इस वीडियो में। बच्चों इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।